हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर स्टॉल का जो ट्यूटोरियल है इसमें हमने टेक्सचरिंग स्टार्टअप किया है, तो इसे कंटिन्यू करेंगे। सो सेकंड थिंग, अभी यहाँ पर मैं जो टेक्सचर अप करने वाला हूँ वो है ये जो सीलिंग लाइट्स है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। सो कंट्रोल प्रेस करके इसे मैं फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ एम प्रेस करके। सो मटेरियल में जाकर यहाँ से एक वीरे मटेरियल, इस पर वीरे मटेरियल असाइन नहीं करेंगे, इसके ऊपर वीरे लाइट मटेरियल असाइन करेंगे। सो लाइट मटेरियल में इससे जस्ट एक लाइट मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। ये जस्ट एक सेल्फ इल्यूमिनेशन की तरह काम करता है, तो सेम यहाँ पर भी इसे भी सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं एक लाइट मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। इसके बाद जो छोटे एलिमेंट्स है इसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इस तरह से मटेरियल में जाएंगे और इसके ऊपर ये कलर असाइन करेंगे। सेलेक्ट करते हैं इसे, इसके ऊपर हम एक ग्लास मटेरियल असाइन करेंगे। जो ऑलरेडी हमने ग्लास मटेरियल यहाँ पर जो असाइन किया है वही ग्लास मटेरियल इसके ऊपर असाइन करेंगे। सो ग्लास मटेरियल के बाद इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मटेरियल में जाकर सेम मेटल मटेरियल, रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो देना है वो आप दे दीजिए यहाँ पर। इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके सेम मटेरियल असाइन अप कर लेता हूँ। सो मटेरियल का काम काफ़ी आसान है यहाँ पर। अब इसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं वाइट वाला जो है वो असाइन अप कर लेता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इसके पॉलीगन्स, मटेरियल में जाता हूँ और ये सेम मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ जिससे ये इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा और इसके ऊपर मैं वाइट वाला जो है वो मैं असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। सो अब ये आपके पास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके ऊपर भी ये वही टेक्सचर दे देंगे। इसको सबसे पहले मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। इसके ऊपर आपका ग्लास मटेरियल आएगा और ये जो आपका सपोर्ट है यहाँ पर इसमें टेबल का, इसके ऊपर हमारा मेटल मटेरियल आएगा। सो रीनेम हमेशा रीनेम कर लीजिए, इसको मेटल नाम दे दीजिए, यही असाइन होगा यहाँ पर इस तरह से। इसे भी सेलेक्ट करेंगे, इसे अनग्रुप कर लेता हूँ और ये जो टेबल चेयर का जो सिटिंग एरिया है इसके ऊपर मैंने चेयर रीनेम किए, ये इसके ऊपर टेक्सचर दे देता हूँ और सेम इसके लिए यहाँ पर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इसे यहाँ पर और मटेरियल में जाके एज इट इज सेम यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ। इसके बाद ये टॉप एरिया, इसके ऊपर एक वीरे मटेरियल मैं असाइन करता हूँ और एक लाइट ग्रेश कलर इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आपको फ्लोर का अगर आपको कोई टेक्सचर देना है तो यहाँ पर मैं वीरे मटेरियल एक लेता हूँ, बिटमैप में जाता हूँ और मुझे अगर कोई फ्लोर का मटेरियल असाइन अप करना है
मैं एक फ्लोर का मटेरियल ले सकता हूँ। सो डी ड्राइव में जाता हूँ और आप यहां से वो एक टेक्सचर ले लीजिए। आप एक कारपेट का या फ्लोरिंग का टेक्सचर ले लीजिए। मैं जस्ट एक टेक्सचर यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और बिटमैप में जाता हूँ। इसके आप डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करके रखे हैं कुछ जस्ट इमेजेस ले लेते हैं यहाँ पर। सो जस्ट मैं कुछ इमेजेस असाइन अप कर लेता हूँ, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, वीरे मटेरियल ले लेता हूँ और बिट मैप में जाकर कुछ इमेजेस मैं असाइन अप कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करते जाइए आप इसे, फिर वीरे मटेरियल लेता हूँ, बिटमैप में जाता हूँ, असाइन करते, आई थिंक ये सेम है, तो इसे चेंज करेंगे यहाँ से। तो आप खाली सिलेक्शन करते जाइए, मटेरियल में मैं जाता हूँ, वीरे मटेरियल में फिर से आपको जो असाइन करना है आप वो असाइन करते जाइए। सो वीरे मटेरियल में अकॉर्डिंगली लेते जाता हूँ यहाँ पर। सो फिर मटेरियल में जाएंगे, डिफ्यूज में जाता हूँ, सेम एज इट इज वही मेथड यूज करेंगे। तो असाइन करते जाइए और इसके ऊपर मैं एक सेम मटेरियल दे देता हूँ जो फर्स्ट वाले पे हमने दिया था, वही असाइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से हर एक के ऊपर मटेरियल असाइन किया है, खाली ये पार्ट बाकी है। इसके ऊपर मैं एक और वीरे मटेरियल ले लेता हूँ, यहाँ पे लाइट येलो स्टोन लेके असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। ये लेफ्ट आउट पार्ट है, तो इसको डेफिनेटली जो टेक्स्ट है इसको एक वीरे मटेरियल लेके मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ, ये आपको इस तरह से विजिबल हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने इसका सारा टेक्सचरिंग कर लिया है यहाँ पर। सो ये लाइट से लेकर हर एक चीज़ हमने यहाँ पर इजीली टेक्सचर अप कर लिया है। इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब आपको लाइट्स जो यूज़ करना है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम इसमें आईएस लाइट्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो
आईएस लाइट्स के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपके पास आईएस का एक लाइट पैक होना ज़रूरी है, तो आप पहले देख लीजिए, अगर आपके पास आईएस लाइट्स पैक लाइट पैक नहीं है तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। आईएस लाइट पैक आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने एक आईएस पैक जो है लाइट का, ये आईएस लाइट पैक जो है इसे फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपका आईएस लाइट पैक जो है वो इंस्टॉल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको रेडीमेड लाइट के प्रीसेट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीसेट्स, इस तरह से ये सारे लाइट के प्रीसेट्स, आपको जो प्रीसेट्स यूज़ करने हैं वो लाइट के आप प्रीसेट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले एक व्यू में जाते हैं, फ्रंट व्यू में, या फिर मैं एक साइड व्यू में जाता हूँ। साइड व्यू से मैं लाइट्स में जाता हूँ, वीरे में जाकर, वीरे आईएस लाइट जो दिख रहा है मैं इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ नीचे। अगर आपके पास कोई वॉल एरिया है, आप उस तरह से वॉल एरिया से दिखाने वाले हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली वर्क कर सकता है यहाँ पर। सो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसे जैसे कि एक एग्जांपल ये है, ये एरिया जो है यहाँ पर मुझे एक लाइट दिखानी है इस तरह से, तो मैं इसे स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह से मुझे ऐसे दिखाना है। इसे मैं ये साइड पे पुश करता हूँ और ये वॉल की साइड पर, तो अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसको अंदर कर लेता हूँ। और इसके सेटिंग्स में जाते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आईईएस फाइल, तो मैं आईईएस फाइल में जाता हूँ। फिलहाल मैं अगर इसको रियलिस्टिक कर लेता हूँ, ये नन में जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो आईईएस पैक लिया है, लाइट पैक जो लिया है, आप इसके अंदर जाके आपको जो लाइट पैक लेना है वो आप लाइट पैक पहले देख लीजिए, आपको कौन सा लाइट पैक अच्छा लग रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे चेंज करते जाता हूँ, तो मुझे अगर एक लाइट पैक अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये अच्छा लग रहा है, थ्री लोब वी डबल ई, तो थ्री लोब वाला जो लाइट पैक है वो हम यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पर जाता हूँ और थ्री लोब वाला जो लाइट पैक है वी डबल ई, ये वाला यूज़ करते हैं और डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आपने यूज़ किया वैसे आपको वही स्टाइल की लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर टेम्परेचर में जाते हैं, हम लोग टेम्परेचर पे थोड़ा काम करेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सा येलोइश लाइट का लुक देना तो वो दे सकते हो आप हल्का सा यहाँ पर जाकर, और आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी भी है, यहाँ पे आप इंटेंसिटी वो है आपका पावर, तो ये पावर जो है वो लाइट का पावर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपको किस तरह से कितना लाइट का पावर चाहिए वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइट जो है वो आप किस तरह से वर्क हो रही है, मैं एक बार रेंडर करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह से ये लाइट आपकी वर्क करेगी। तो ये डेफिनेटली पावर जो एरिया वो थोड़ा सा कम कर सकते हो आप। सो मैं इसमें फोटोमेट्रिक लाइट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं फोटोमेट्रिक लाइट्स भी बताऊँगा आपको इसमें, कि अगर मैंने अगर समझो फॉर एग्ज़ाम्पल यही लाइट की डुप्लीकेट्स बना ली यहाँ पर जाकर, और आपको फिर चेक करना है कि ये किस तरह से दिखता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका ऐसा फोटोमेट्रिक लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फोटोमेट्रिक लाइट आपको बताऊंगा। तो कहीं कहीं पर अगर आपको यूज़ करना है तो आईएस यूज़ भी कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको रेंडर करके बताता हूँ ये किस तरह से दिखेगा। ये आपको जस्ट एक स्पॉट की तरह दिख रहा है, तो थोड़ा लाइट पर आपको काम करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए। सो मैं कमिंग सेशन में आपको इस पर किस तरह से लाइट सेटअप करना है, लाइट्स किस तरह से पुट ऑन करना है वो मैं बताऊंगा, कुछ रेंडर सेटिंग्स बताऊंगा किस तरह से वर्कआउट करना है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।